हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के क्रिस्पी पकोड़े। इसके लिए हमने 5 आलू लिए हैं। अब इसको हम छील लेंगे। पहले तो आलू के हमने छिलके निकाल लिए हैं। ये हमने कद्दूकस लिया है। अब ये बड़ी साइज़ वाला लेना है। अब इससे हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। इस तरह से करना है। हमने 5 आलू को कद्दूकस करके लिया है। अब ये नीचे बड़ा सा कटोरा लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे बड़ा वाला रुमाल कॉटन का। अब ये जो आलू हमने कद्दूकस करके लिया है, इसमें स्टार्च ज़्यादा मात्रा में होता है। अगर हमने ऐसे ही डाल दिए तो हमारे जो पकौड़े हैं वो नरम आ जाएंगे, इसलिए हम इसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह से हम इस आलू में का पानी हम निकाल लेंगे। पूरी तरह से पानी निकालना है इसमें से निचोड़ कर। इस तरह से पूरा निकाल कर लेना है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे। ये आलू में से हमने पानी पूरा निकाल लिया है। इस तरह से ऐसे सूखे होने चाहिए। अब इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इस तरह से पूरा पानी निकाल लेना है आलू में से। अब इसमें हम डाल देंगे, ये हमने प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च और जीरा ये डाल देंगे। हरी मिर्च आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो। अब ये जीरा भी डाल देंगे। सूखे मसाले में हम डाल देंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। अगर आप गरम मसाला डालना चाहें तो डाल सकते हो। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल, एक चम्मच इसमें तेल डाल देना है। ये मेरे पास हरा धनिया है सूखा वाला, इसको भी हम डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। पूरी तरह से मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डाल देना है हमें मैदा। पहले 2 चम्मच डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी ये जो आलू कद्दूकस की वाला है ये सूखा सूखा सा लग रहा है। इसमें और 2 चम्मच हम मैदा डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके हम पकौड़े बनाकर देखेंगे। ये इस तरह से हाथ पर ऐसे थोड़ा सा बनाकर देखना है, अच्छे से बन रहा है। इस तरह से डाल देना है। अब हम गरम तेल में इसे डाल देंगे। तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। इस तरह से छोटे छोटे डाल देने हैं। आराम से डालने हैं। आप इसमें ब्रेड का क्रश भी डाल सकते हो।
तरह से डाल देना है तेल में और इसको अच्छे से होने देना है। अगर हम जल्दी से पलट देंगे तो एक दूसरे को चिपक जाएंगे। इस तरह से इसको तेल में होने देना है। इस तरह से इसे अच्छे से होने देना है। अच्छे से हो गए, अब हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से अच्छे से ब्राउन कलर के तल लेने हैं हमें। ये देखो अच्छे से बन गए हैं, अब पूरे तल लेंगे। हम इसे चम्मच से भी कर सकते हैं, इस तरह से लेना है। अब इसे तेल में डाल देंगे, इस तरह से चम्मच की सहायता से हम डाल सकते हैं इसे। एक एक करके डाल देंगे। अब इसको थोड़ा सा हल्का से इसको तेल से थोड़ा सा अलग कर लेंगे। एक दूसरे को चिपक रही है। ये देखो अच्छे से ब्राउन कलर के हो गए। अब इसको हम तेल में से निकाल लेंगे। ये हमारे आलू के पकौड़े बनके तैयार हैं। ये देखो ये कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी अच्छे से पक गए हैं। जब कभी भी आपको चटपटा खाने का मन करे तो आप 5 मिनट में इसे बनाकर खा सकते हो। अगर आपको मेरी ये चटपटी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।